love you. मैडम लगता है कि आज आपके हालात काफी नाजुक हैं। जो आप अकेले ही डांस कर रही थी। अकेले कहाँ डांस कर रही हूँ, त्यागी है ना मेरे साथ। त्यागी? तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है। ये प्यार का करिश्मा है रक्षंदा, ये तुम्हारी समझ के बाहर है। भला ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ के बाहर है? क्योंकि इसे समझने के लिए सीने में एक धड़कता हुआ दिल होना चाहिए और किसी से मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ भाई, हमें तो मोहब्बत का तजुर्बा है ही नहीं। नहीं मैडम, है नहीं, आपने होने ही नहीं दिया। खैर ये सब बातें छोड़, पहले ये बात बता कि तू आज इतनी खुश क्यों है? पता है रक्षंदा, मुझे त्यागी से और प्यार हो गया है। और प्यार? पहले ही कोई कसर बाकी थी क्या कि आज तुझे उससे और प्यार हो गया है? अरे प्यार की भी कोई सीमा होती है क्या? दिल के सर पर तो मोहब्बत ही आसमान होता है, प्यार जितना ही करो ना उतना ही कम है। शिवानी, मोहब्बत के जो फलसफे तू सीख के आई है ना, लगता है ये ऋषभ के साथ लंच पर जाने का कमाल है। अरे बाबा मरवाएगी क्या, तेरे होते हुए ऋषभ का कोई कमाल मेरे ऊपर असर नहीं कर सकता। ऋषभ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। पर ऋषभ का दोस्त तो मेरी प्रॉपर्टी है। एनीवे शिवानी, कम टू द पॉइंट, पहले ये पता कि तेरे ये मिजाज की वजह क्या है। अरे यही बताने के लिए तब से जाग रही हूँ, ये डांस तो तेरे इंतजार का बहाना था। खैर ये सब बातें छोड़, वरना सारी रात करवटें बदलती रहेगी। अच्छा एक बात बताऊ, करण ने मुझे जो कुछ भी त्यागी के बारे में बताया था ना, वो गलत था, और ऋषभ ने जो कुछ कहा था वही सही था। यानी करण ने मुझसे झूठ बोला था? वो मैं नहीं जानती, पर ऋषभ ने मुझे सच बोला था। हाँ शिवानी, ऋषभ ने तुझे जो भी कहा होगा वो सच ही होगा। अच्छा एक बात मुझे बता रक्षंदा, करण और ऋषभ के बीच तू किस पर ज्यादा भरोसा करती है? ऋषभ पे। और प्यार किससे ज्यादा करती है? फिलहाल तो मैं प्यार किसी से भी नहीं करती। तुम बॉम्बे यार, तेरी इस फिलहाल की उम्र कितनी लंबी है, अब तो कुछ फैसला कर लेना। शिवानी ये सब बातों की फिक्र तू छोड़ दे, ये बातों की फिक्र तू रंजना देवी को करने दे, उन्हें रात दिन मेरे दिल की फिक्र रहती है।